हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम अपने गांव से जा रहे हैं। फिलहाल अभी धारे में आया हूँ, लास्ट टाइम धारे का पानी पी लेते हैं, ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल ठंडा ठंडा। और कुनाली की बहुत ही ज़्यादा याद आई, कुनाली आपकी बहुत याद आएगी मुझे। तो भी अब मुझे भी आए। आपको भी आएगी? अच्छा, फिर चलो मेरे साथ में हल्द्वानी चलो। नहीं। क्यों? मम्मी के साथ जाऊंगा। अच्छा, मम्मी के साथ। तो चाची को भी जल्दी लेके आएंगे, तब कुनाली भी आएगा, चाचा चाचा जी भी आएंगे, अम्मा भी आएगी, बाबू भी आएंगे, सभी हम साथ में रहेंगे। फिलहाल पानी पीते हैं। पहले मेरी बारी है पानी पीने की। अच्छा पियो। कैसे पी रहे? कुनाली मुझे पीने दो, हो गया आपका। बहुत याद आएगी इस पानी की। इस पानी को पीने के लिए हम तरस जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि इतना तो मस्त पानी है ना, मजा आता है। कबीर सिंह मत बनो। क्या पानी है, पहली बार मतलब ऐसा लगता है कि पानी में टेस्ट है। मेरी बारी। और ये आप भी पी लो पानी। पापा जी भी आगे पानी पीने के लिए। जब भी यहाँ आओगे तो धारे का पानी जरूर टेस्ट करना, बहुत मस्त है, बहुत। तो ओरियो भी पी रहा है, देखो पापा जी के हाथों में ठंडा ठंडा पानी। अरे इतने सारे बैग, अच्छा तीन बैग तो मेरे ही हैं, एक पीयूष का, एक मम्मी का, एक साहिल का, एक ओरियो का। ये भी है क्या? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बैग हो गए पूरे। तो अभी गाइस सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। चाची आप चल रहे हो? कब आओगे? अम्मा आप? अब मैं दाड़ों में ही आऊंगी। तो गाइस देख लो, मैं तो अम्मा को फुल ऑफर दे रहा हूँ, चलो चलो चलो। बट ओहल पे तुम्हारे साथ आऊंगी और किसी के साथ। चलो फिर चलो, इसमें नहीं आती हूँ, अभी आना ही पड़ता है। अम्मा कह रही है कि मैं सर्दियों में आऊंगी। बाय बाय होम स्वीट होम। तो अभी सभी के सभी रोड में पहुंच गए, मैं गाड़ी यहीं पे ले आता हूं, सामान यहीं रख लेंगे ना। फिलहाल गाड़ी वहां पार्क है हमारी, सभी के सभी विदा करने के लिए आ गए हमको। चलो चलो चलो, फिर ओरियो भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, पूछता भी जा रहे हैं, सोता भी जा रहे हैं। फिर आप किसके साथ खेलोगे? फिर क्या हुआ, मैं भी तो आ जाऊंगा। बोल दे बोल दे। सबको प्रणाम प्रणाम। आना अम्मा, ठीक है? अम्मा इमोशनल हो गई। हमारी वाली अम्मा भी इमोशनल हो गई। अम्मा मैं तो आप कह रहा हूँ, आप चलो हमारे साथ में। सभी के सभी काफी इमोशनल हो गए हैं। ओरियो से तो मिल लो, आपको याद है जब लाए थे? आप ही तो थे साथ में। मारू साले को, याद है? हाँ, अरे हाँ। लो अम्मा, अरे रख लो रख लो, अरे कुछ नहीं होता, रख लो। अरे नहीं। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो, कुछ भी, कितने पैसे, कुछ भी, तो मुझे बताना बस। आप बताते ही नहीं हो कभी। जाने पास थे पैसे, तो फिर आप आते तो नहीं हो हमारे साथ में। आऊंगी फिर, अभी कैसे आऊँ बता, तू ही बता। ठीक है, अब तुम नहीं आगे नहीं आई, मैं तुम्हारे साथ पाँच साल आ गई, वहाँ नहीं आई। फिर अब गाइस आप कमेंट में ये मत बोलना कि तुम छोड़ के चले गए, अम्मा बाबू को यहाँ रख दिया, चाचा जी को। अब मैं तो इनको कह रहा हूँ चलो चलो, बट ये चलते ही नहीं है, मैं क्या करूँ। कह रहे कि बाद में आएंगे बाद में आएंगे। चाची आपको लेके जाऊंगा मैं। कुनाली बाय, चलना है क्या? नहीं जाना, बाय 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 बाय। यूजुअली हम ना बस का वेट करते थे हमेशा जाने के लिए, और बस में जाते थे इतनी मुश्किल से। आज पहली बार इस तरह से गाड़ी में जा रहे हैं, सबको अलविदा कह के। अरे हाँ, मैंने बताया नहीं, हम जा कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अल्मोड़ा अपने मामा जी घर पे, जो कि आपने देखा ही होगा। एक्चुअली सीन है ना, गाड़ी की सर्विस करानी है, 10,250 किलोमीटर हो गए हैं, 200 किलोमीटर अब हो जाएंगे। मम्मी जी जूस पियोगे क्या? नहीं पीते? आप पियोगे? तो अभी यहाँ पे रुके हैं बुरास का जूस लेने के लिए। दे दो बुरास का बोतल वाला, देना छोटी बोतल वाला। भाई कोई भी ड्रिंक पीने से बढ़िया है, सबसे बेस्ट, हार्ट के लिए बेस्ट रहता है ये। तो अभी यहाँ पे एक न्यूज़ पता चली कि हमारा आर्टिकल आया पेपर में, सर ने बताया किसमें, हिंदुस्तान टाइम्स में। अरे वाह, स्केच बनाते बनाते बने नामी यूट्यूबर सौरभ। अरे वाह यार, ये पेपर में हमको दे दो यार। अरे वाह, इसको रख लेते हैं। अरे वाह, पेपर में पीसी, ये देख। थैंक यू सर, थैंक यू। मम्मी जी न्यूज़ में आ गया, न्यूज़ पेपर में आ गया, कैसा लग रहा है? ये लो पी लो जितने पीने हैं। ठीक है सर, थैंक यू, एक गुड न्यूज़ दे दिया आपने। बाय द वे यहाँ पे आओ तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो गाइस एक बोतल तो मैंने पी लिया, 10 बोतल ले लिए थे, अब आराम से पीते रहेंगे। ये बेस्ट जूस है,
फ्लावर का जूस है ये, फ्लावर, और इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये हर्ट के लिए काफ़ी बढ़िया होता है, इसलिए हम हमेशा पीते रहते हैं। लेकिन एक फ़ायदा हो गया यहाँ पे रुकने का, हमको चल गया पता कि हमारी न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स में। मम्मी जी पढ़ रही है अभी पूरा आर्टिकल। तो अभी हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है, पापा जी गए हैं अभी मिठाई लेने के लिए। फिलहाल अभी ओरियो को देखो, ओरियो को मजा आ रहा है। सबसे ज्यादा मैच्योर तो यही लग रहा है, मम्मी को तो बस अखबार को लेके बैठ गई। मम्मी कह रही है मेरे को तो इसी को पढ़ने का मन कर रहा है। जैसे कि आपने देखा जाते हुए सारे इमोशनल हो गए थे, इवन अम्मा भी कितना रो रही थी, सारे के सारे। तो मतलब अच्छा सा लगता है क्योंकि सबके साथ में एक बॉन्ड रहता है, जितने भी हैं गाँव वाले हमारे, जितने भी अड़ोस पड़ोस वाले हैं, और कुनाली की बहुत याद आ रही है, अम्मा बाबू की, सबकी, चाचा चाची की। तो जल्दी ही सबको साथ में लेके आएंगे। कुनाली अब अकेला हो गया होगा। तूने पढ़ लिया क्या? सबसे मेन बात इसमें हमारे गांव का नाम है, तो अब जो भी पढ़ेगा उसको हमारे गांव का नाम चलेगा, तो हमारे गांव का नाम भी आया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से टोटा सीलिंग के रहने वाले। 21 साल। अरे यार कभी घमंड नहीं किया? अभी कर तो रहे। घमंड नहीं करा, शो ऑफ कर रहा हूं। नहीं, तो नहीं शो ऑफ भी नहीं, बता रहा हूँ मैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंचने वाले, अभी हम कच्चे रास्ते में जा रहे हैं नीचे की साइड, फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस सामने स्कूटी और बाइक खड़ी है, ये हटवानी पड़ेगी तभी हमारी गाड़ी निकल पाएगी, अदरवाइज नहीं निकल सकती। तो पीयूष रास्ता दिखा रहा है, काफी पतली रोड है ना। अरे कुछ नहीं होता, हटा, मत छेड़, मत छेड़ उसको, मत छेड़ पीछे, मत छेड़ उसको, रहने दे, निकल जाएगी। पार्क कहाँ करेंगे? तो फाइनली पहुंच गए, गाड़ी यहाँ पार्क करी है, इतनी मुश्किल से करी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जगह है निकलने की, अगर कोई और गाड़ी निकलेगी तो। पीसी बैग कहाँ से करेंगे आपा, ले तो आए गाड़ी, यहाँ पे तो रोड और ज़्यादा पतली हो गई है, यहाँ तो बैग हो ही नहीं सकती, यहाँ तो ले जाने में भी दिक्कत है। औरी यहाँ क्यों चले गए? औरी गाड़ी के नीचे क्यों चला गया? और गाड़ी के नीचे चला गया, गर्मी लग रही है, टाइट हो गई है भाई, बैग टांग रखे तो बड़े बड़े, क्या हुआ? बीच बीच में सीढ़ियाँ भी बना रखे हैं पत्थरों की, रास्ता तो है ही वैसे। ये वाला पेड़ मैं सालों से देख रहा हूँ, ऐसे कैसी है यहाँ? वेलकम होम। अरे तो छोटी सी है। और यो तो गाइस मामा के घर पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे देखो पंखा चल रहा है, जब से हम पहाड़ पे आए पहली बार पंखा यूज कर रहे हैं हम। पता नहीं आज क्या हो रहा है, आज काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। और जो ये वाला घर है ना, ये लैंटर वाला है, तो इसमें गर्मी ज्यादा होती है। जो हमारे गाँव में था ना पुराने जमाने वाला, उसमें गर्मी ज्यादा नहीं होती थी। टाइम हो गया शाम के 4:32, खाने के बाद मस्त नींद आई, मेरे को 2 घंटे की नींद ले ली, अब चलते हैं बाहर। मौसम काफी बढ़िया हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ऊपर बन टिक्की खाने के लिए, यहाँ पे एक बहुत टेस्टी बन टिक्की मिलती है, जब भी हम आते हैं तब जरूर खाते हैं, तो चलो चलते हैं। बाकी सारे बच्चे जा चुके हैं आगे, अपन पीछे रह गए। क्या खाओगे? मोमोज। क्या खाएगा? कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी खाने की चीज होती है, मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, बन टिक्की बना दो एक। तो अभी सभी के सभी बैठ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मिलता है मस्त बन टिक्की। तो आज खाएंगे बन टिक्की और कल चलेंगे थुक्पा खाने, फेमस, जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो जरूर खाते हैं। पीयूष के मोमोज आ चुके हैं, बहुत मस्त लग रहे हैं। यार हरा क्यों कर दिया? हरा क्यों कर दिया? हरा कुछ और है। लाल कुछ और है। अच्छा वो पीला नहीं था, पीला अंदर हो गया इसके। तो गाइस यहाँ पे आते आते सब पहचान ले रहे हैं मुझे, तो ये काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं मेरा कि तू छुप जा, तू ये कर ले, तू बना ले, तू मोमोज बना ले। भाई आओ बन टिक्की खाओ, बढ़िया यार। तो हमारी बन टिक्की तो आ चुकी है, देखने में काफ़ी टेस्टी लग रही है, मुँह में पानी आ रहा है, तो अपना अपना ले लो भाई। अच्छा आपने पहले ले लिया, वाह। तो मस्त बन टिक्की खा लिया है, सही पेट भर गया, टेस्टी था, सब्सक्राइबर से भी मिल लिया बहुत, और ये तो खाते खाते ही चल रहा है, इसने मोमोज भी खाए और बन टिक्की भी खाई। सभी के सभी बिना मास्क के आए, सबके लिए एक मास्क लेना पड़ा। अभी ये क्या है? खा ले चुपचाप, ठीक है। तो अभी सबने मास्क लगा लिया, यहाँ पे मास्क लगाना बहुत कंपलसरी है, इसलिए सबने ले लिया। फिलहाल ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं आगे तक, सबका बिल्कुल सेम मास्क हो गया।
कितना छोटा सा है ये। ओलू ओलू तो आज टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया 5 किलोमीटर 6,399 स्टेप्स। तो यहाँ से है मस्त व्यू। तो इस वाले डॉग को देखो कैसे सोया हुआ है, कितने सुकून से भाई साहब, उसका सुकून मत छीनना। तो गाइस अभी मैं आया हूँ अल्मोड़ा अपने मामा के घर पे। तो यहाँ पे ना मतलब ऑलमोस्ट सभी मेरी वीडियोस देखते हैं और यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे। तो वो सारे अब कल से घर आना शुरू कर देंगे। तो मैं हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ घर पे मत आना, बिकॉज हमारा घर नहीं, मामा मामी का घर है ना, तो अच्छा नहीं लगता इतने सारे लोग आएंगे। तो प्लीज़ अगर मार्केट में मिलते हैं, मार्केट में घूमता रहूँगा ऐसे ही, वैसे घर में मिलूँगा भी नहीं, तो मार्केट में घूमता रहेंगे, मार्केट में मिलेंगे आपसे, लेकिन प्लीज़ मैं बस ये कहूँगा कि घर पर मत आना प्लीज़, नहीं तो फिर मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी होटल लेना पड़ेगा कहीं पे जाके, बोलेंगे कि कितने सारे लोग आ रहे हैं। समझ सकते हो गाइस, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, घर पे मत आना प्लीज़। तो अभी हमने थोड़ा बहुत घूम लिया, खा लिया, पी लिया और मस्ती कर लिया, फुल वीडियो में थोड़ा बहुत दिखाते हैं, बट लिटरली जब साथ में मिलते हैं ना फुल मज़ा आता है, फुल हंसी मजाक, जो कि आपको समझ नहीं आएगा इसलिए आपको दिखा नहीं पाते हम। चलो चलते हैं फिलहाल। अच्छा आप भी, हाय कर दो फिर। तो अभी हम घर पे पहुंच गए और ये छत पे खड़ा है पापा जी के साथ में। ओलू ओली सौदा आ गए ओली। तो अभी फ़िलहाल मम्मी यहाँ पे आलू छिल रही है, आज आलू की सब्ज़ी बनेगी। फिलहाल अंधेरा हो चुका है, सारे के सारे बाहर ही बैठे हैं। सामने का व्यू प्यारा, देखो कितने सारे घर ही घर है सामने पहाड़ पे। तो फिलहाल अभी डिनर करते हैं, भिंडी रोटी बनी है और वहाँ पे मैच चल रहा है, पता नहीं कौन सा मैच है। तो अभी रात के 9:30 बज चुके हैं, डिनर वगैरह हो चुका है, बाकी सब ऐसे गाने वाने गा रहे हैं, भजन वजन जो भी गा रहे हैं, अब वो ऐसे ही करते रहेंगे सारे, मैं तो एडिटिंग करूंगा। फिलहाल तो ओरियो को लेके आया था बाहर, बाकी यहाँ से व्यू देखो अल्मोड़ा का कितना मस्त लग रहा है। चलो रे चलो चलो। नहीं नहीं उधर नहीं, कहा बाघ टपका लेगा, बाघ होते हैं, देरी करवा बस। बाघ क्या कहेगा, बाघ मैं हूँ साथ में। अच्छा? कुछ नहीं होगा। चलो रे चलो, अरे कुछ नहीं पता भी नहीं चलेगा, नहीं ले जाना, कहा उधर बाघ खा जाएगा उसको, फिर क्या करेंगे हम। अरे नहीं होता कुछ, चलो मैं साथ में हूँ ना बेटा। अरे कुछ नहीं होता मम्मी, नहीं आते बाघ, बाघ आएगा, बोल आएगा तो वैसे भी आ जाएगा, आना होगा तो। तो ये 12 बजने वाले हैं, एडिटिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, यहीं बैठ के कर रहा था, यहीं पे सोएंगे आराम से, लेकिन अपलोडिंग की प्रॉब्लम है, यहाँ पर नेट नहीं चल रहा बिल्कुल भी। फिलहाल साहिल यहाँ पे है, साहिल और पीयूष तो ऊपर सोएंगे, मैं यहीं पर सोऊंगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। दोस्ती हम नहीं, पीछे भी भूल गए दोस्ती।